अभी हम फिंगर्स देखेंगे, तो फिंगर्स का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? जो लेज़र, जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, वो लेज़र इम्पॉर्टेंट पर्सन को शो करती है, यानी कि कोई ऐसे लोग, जैसे कि हैंड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक विटिलिगो है, या फिर किसी को सोरियासिस लीजन्स हैं, या फिर एक्जिमा हो रहा है हैंड में, है ना, तो ये कुछ चीज़ों को शो करता है, ठीक है। जो फर्स्ट फिंगर होती है वो एजुकेशन और नॉलेज को शो करती है। यदि किसी को ये फर्स्ट फिंगर में प्रॉब्लम हो रहा है ना, मीन्स उसका कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशन में दिक्कत आया, या कुछ ना कुछ ऐसा जो उसको रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ना, तो फर्स्ट फिंगर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और जो हमारे ये हैंड्स, जो हमारा ये क्या बोलते थंब होता है ना, वो ईगो शो करता है, हेड शो करता है, या एल्डर होना शो करता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, या किसी एल्डर व्यक्ति से जो आपसे बड़ा है या हेड ऑफ फैमिली है उससे आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। और जो ये अपना बीच का जो पाम होता है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है, मीन्स आपको कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपकी मेनली घर में हो सकता है ना। प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति का क्या होता है, प्रॉपर्टी एक तो हो गया मनी रिलेटेड, जो हमारे बंगलेज होते हैं वो वगैरह हो गए, सेकंड थिंग रिस्पेक्ट भी हो सकता है, प्राइड भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत है तब ये बीच में पाम में दिक्कत आएगा, क्योंकि सेकंड वाला फिंगर जो होता है ना, जो बड़ा वाला फिंगर होता है, सेकंड फिंगर, इसमें यदि कोई दिक्कत आ रहा है, लीजन्स आ रहे हैं, मतलब आपको वर्क या रिसर्च वर्क में कोई दिक्कत आ रहा है, या कोई ऐसा अड़ंगा आ रहा है, या आपको पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, थर्ड फिंगर जो होता है ना, वो पार्टनर का होता है। तो यदि थर्ड फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरा एक पेशेंट है, उसको कट्स हैं, सोरियाटिक लीजन्स हैं, और उसको कट हो जाते हैं, तो उसको ये पार्टनर से प्रॉब्लम था, और थर्ड ही फिंगर में उसको ये कट्स आते थे, ठीक है। तो हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। एंड लास्ट फिंगर जो होता है ना, वो होता है छोटू वाला, वो होता है लेज़र इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो हम ये फिंगर से देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फिंगर एजुकेशन, सेकेंड फिंगर वर्क और रिसर्च, और जो हमारा थंब होता है वो है ईगो या हेड ऑफ द फैमिली या किसी एल्डर से कोई कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ फिंगर जो थर्ड फिंगर जो है वो पार्टनर, और फोर्थ जो सबसे छोटी वाली जो फिंगर है वो लेसर इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों हैंड्स का वर्क होता है। अच्छा, अभी राइट हैंड है तो वर्क से रिलेटेड एजुकेशन में प्रॉब्लम आया, या नॉलेज में प्रॉब्लम आया, या वर्क में प्रॉब्लम लोगों के साथ आया, है ना। राइट साइड है मतलब आसपास की सराउंडिंग्स, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। सेकंड फिंगर में कोई प्रॉब्लम आया है, राइट साइडेड है मतलब हस्बैंड उसको कोई काम नहीं करने देना चाह रहा हो, ठीक है। हो सकता है उसको वर्क करने से रोक दिया है, या वो कुछ करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है, तो सेकंड फिंगर में प्रॉब्लम आएगा, है ना। ऐसे ही राइट साइड है, पार्टनर से प्रॉब्लम हो सकता है, राइट हैंड में है, ठीक है। और सेम एज लेफ्ट हैंड में है तो फादर वर्क से रोक सकते हैं मे बी, या फिर एजुकेशन उसका पूरा नहीं हुआ, या कुछ वो करना चाह रही है आगे, और कुछ करना चाह रहा है कोई भी बंदा, उसको कोई ऐसा हर्डल आ रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो फिंगर क्या होते हैं कि यदि फिंगर्स में जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मेनली फिंगर्स जो होते हैं वो डे टू डे वर्क या एजुकेशन या फिर मनी मैटर, इन सब के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई भी दिक्कत आ रहा है फिंगर्स में, जैसे कि पाम्स का मतलब है जो कि आप कुछ ना किसी से पूछना चाहते हो डे टू डे लाइफ में, उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, कोई बात बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तभी ऐसा होगा। या फिर आपको सपोर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कमी हो रही है, कोई उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, तो भी आपको फिंगर में प्रॉब्लम होता है। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पार्टनर, स्पाउस, एवरीवन, जो भी दूसरे लोग हैं वो सब आएंगे हमारे राइट साइड में, और जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को करता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी वगैरह, होम, मदर, चिल्ड्रन, सब कुछ आपका लेफ्ट साइड में आएगा, तो हमको इसको भी ध्यान रखना है।